गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 7.1, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, वेरियस इरिगेशन मेथड्स एंड कंसेप्ट ऑफ प्री सीजन एंड प्रेशर इरिगेशन and also drip and sprinkler irrigation. So let's move. Number one is soil water. So before talking to everything, we are talking water. Water contained in soil is called There is a soil, and the water holding this soil, the water particle holding this soil is called soil moisture. Okay, this is called soil moisture. The water is held within the soil pore. So, the within the soil pore, the water held. Calling it soil moisture. Or you can say that is the soil water. Physical classification of soil water. Number one, water is hygroscopic water. So what is hygroscopic water? This water form very thin film around soil particle and not available to the plant. So hygroscopic water is not available to the plant. This water is not available to the प्लांट, ठीक है। द वॉटर इज हेल्ड सो टाइटली बाय द सोइल। ये वॉटर क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइटली एब्जॉर्ब किया हेल्ड होता है बाय द सोइल, दैट कैन नॉट टेकन अप बाय द रूट्स, जो कि रूट्स टेक नहीं कर सकती है। सो इफ यू टॉक अबाउट द अनअवेलेबल वॉटर, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वॉटर। ओके, सो हाइग्रोस्कोपिक वॉटर हेल्ड कितना प्रेशर से वो हेल्ड होती है, डेट इज -31 to -10,000 bar। तो आपको ये लर्न करना है, मेन इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये इसको याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर यू कैन से इट इज अ अवेलेबल वाटर, ठीक है। So it is held in capillary pore, micro pore. Capillary water is retained in the soil particle by surface forces. So ye surface forces se uske andar retain rehte hain. So strongly that gravity cannot remove it from the soil particle. Ye soil particle se gravity usko remove nahi kar pati hai. So jo molecules hai wo capillary water ke free form mein hote hain, mobile hote hain liquid state mein, theek hai. Due to evaporation or ordinary temperature, the soil particle it is able to absorb it. क्या होता है, जो प्लांट जो प्रेशर होता है और जो हेल्ड होता है वो कितने प्रेशर पे हेल्ड होता है, वो -1/3 to -31 bar तक वो हेल्ड होता है। Occupy in the larger pore, macro pores होते हैं वहां पे अवेलेबल होता है ये, और ये डाउन रेडली मूव होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नो यूज के लिए यूज कोई भी नहीं है प्लांट का, प्लांट के लिए इस वाटर का कोई भी यूज नहीं है। लार्जर पोर में जाकर स्टोर हो जाता है, नीचे की तरफ जाकर स्टोर हो जाता है, और इसकी जो सोइल मॉइस्चर टेंशन होती है ग्रेविटेशन की, वो -1/3 bar to -1/3 bar होती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वॉटर क्या है, नॉन अवेलेबल वॉटर क्या है। सो देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर रिटेंशन एंड यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट। अब देखो, जो मॉइस्चर वहाँ पे अवेलेबल है, जो मॉइस्चर वहाँ पे अवेलेबल है, और जो प्लांट्स हैं, है ना जी, प्लांट कितना एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अवेलेबल मान लो 5 liter है, और प्लांट उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसमें से मान लो 1 liter तो गया ग्रेविटेशनल, 2 liter गया हाइग्रोस्कोपिक, रिमेनिंग क्या बचा, 2 liter जो बचा वो क्या है, हमारा कैपिलरी वाटर। तो जो 2 liter है वो उसके लिए क्या है, अवेलेबल वाटर, और नॉन अवेलेबल वाटर क्या है, 2 और +1, दैट इज 3 liter, इट इज द नॉन अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट।
ठीक है। तो इस बेस पे हम थ्री पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नंबर वन इज अवेलेबल वाटर, तो इफ यू टॉक अबाउट द अवेलेबल कोफिशिएंट, विल्टिंग कोफिशिएंट होगा दैट इज -15 bar एंड द फील्ड कैपेसिटी इज -1/3 bar। और इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम विल्टिंग कोफिशिएंट को मॉइस्चर इक्विवेलेंट से, जितना मॉइस्चर इक्विवेलेंट होगा उसको विल्टिंग कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अवेलेबल वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अनअवेलेबल वाटर, तो अनअवेलेबल वाटर हमारे लिए क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ठीक है, और इसका कैपिलरी वाटर विल्टिंग पॉइंट जो है -15 bar होता है। नेक्स्ट इज सुपरफ्लोअस वाटर, ये क्या है, वाटर बियॉन्ड द फील्ड कैपेसिटी। देखो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, जब पानी पूरा भर जाता है, जब पानी पूरा भर जाता है, ग्रेविटेशन वाटर भी हो गया, तो जो पानी ऊपर का रिमूव हो जाता है ना, तो ऊपर का जो वाटर रिमूव हो जाता है उससे वो वाला जो वाटर होगा डेट इज सुपर फ्लोअस वाटर, जो ऊपर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसकी कैपिलरी वाटर पूरी भर चुकी है, उसका ग्रेविटेशन फुल हो चुका है, सब कुछ फुल हो चुका है, जिससे क्या होगा। देखो मैंने आपको एक स्टार्टिंग डे में एक बात बताई थी कि हमारे हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, 45% तो क्या है मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर, 25% वाटर। अगर वो बिल्कुल ही भर चुका है, डेट इज 25% बिल्कुल कंप्लीट भर गया वाटर वाला, तो एयर तो खत्म हो गई वहाँ पे भी, उसका प्लेस किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया, है ना। तो वहाँ पे जो एयर की लैक है, कमी हो जाएगी लैक ऑफ एयर की, जिससे प्लांट के अंदर क्या होगा, हार्म होगा। नेक्स्ट इज फील्ड कैपेसिटी, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, जब वाटर भर जाए, जब पानी जब फील्ड के अंदर वाटर पूरी तरह से भर जाए और उसको और ऑब्जॉर्ब करने की पावर ना रहे, दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। और ये जो आप बोल सकते हो कि पानी पी रहा था, पानी पी के उसका पेट फुल हो गया, तो जब पेट फुल हो गया तो उसके बाद में अगर और पानी पिएगा तो वो बाहर ही आएगा ना, तो जब तक बिल्कुल फुल फुल हो गया तो वो हो गया फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। सो यू कैन से द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर विच अ सोइल कैन रिटेन, वो मैक्सिमम वाटर जो एक सोइल रिटेन कर सकती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी एंड द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज -1/3 bar। नेक्स्ट इज विल्टिंग पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द विल्टिंग पॉइंट सोइल मॉइस्चर कंटेंट, व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज टू स्लो, जब एब्जॉर्प्शन टू स्लो होता है तो वो क्या होता है, विल्ट हो जाता है, वो टर्गिडिटी उसकी खत्म हो जाती है और विल्टिंग हो जाता है, वो सूख जाता है, और वो वैल्यू होती है -15 bar, वहाँ पे अवेलेबल वाटर ही ना रहे। और अब टाइप ऑफ विल्टिंग होती है, नंबर एक टेम्परेरी और परमानेंट विल्टिंग। टेम्परेरी और परमानेंट विल्टिंग क्या होता है, विल्टिंग फ्रॉम विच प्लांट विल रिकवर बाय रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट, होती है नंबर वन, एक तो वो कि पानी जो है वो सूख गया है, ठीक है, पानी सूख गया है, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए वो एब्जॉर्ब लॉस हुआ वाटर का, ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस हो गया, बट जैसे ही हमने पानी दिया तो वो दोबारा रिकवर कर गया, तो वो हो गया टेम्परेरी। नेक्स्ट इज परमानेंट, परमानेंट विल्टिंग क्या हो, मॉइस्चर लॉस्ट हो गया कम्प्लीटली, रिटेनिंग जो मॉइस्चर है वो पार्टिकल है जो रूट के साथ वो ढेर होना बंद हो गया, ठीक है, और जिसकी वजह से प्लांट ने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया पानी को, और एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो वहाँ पे उसका जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा वो विल्ट हो जाएगा परमानेंटली, पॉइंट आ जाए। ऑल सोइल पोर आर फिल्ड विद वाटर, जब सारा का सारा जो पोर है तो सारे पोर वाटर से फिल हो जाए, एयर तो रही नहीं वहाँ पे, एयर खत्म हो गई, तो एयर नहीं रहेगी तो सोइल का वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो सैचुरेशन वहाँ पे आ जाएगा, और सैचुरेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम 0 bar से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, तो जो हाइग्रोस्कोपिक कॉन्फिशेंट है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाता है 100 gram ऑफ ड्राई सोइल स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, 15 degree Celsius हमारा टेम्परेचर होता है, और जो टेंशन होती है फोर्स ऑफ बार वो डेट इज 31 bar, ओके। बट जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है उस टाइम पे रूट जोन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से जो प्रेशर होता है वो 31 bar तक पहुंच जाता है, ठीक है।
नाउ ये टेबल है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सभी के अंदर से, मेनली जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यही आते हैं, और अगर वहां से आएगा तो वहां से डेफिनेशंस आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केमिकली कंपाइंड, वाटर वेपर, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक कॉन्फिशेंट, बिल्टिंग पॉइंट, कैपिलरी, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, फील्ड कैपेसिटी, स्टिकी पॉइंट, ग्रेविटेशनल, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सभी के अंदर क्या है, के अंदर क्या होगा, टेंशन बार आपको गिवन है, केमिकली कंपाउंड वेरी हाई होता है, वाटर वेपर सेचुरेशन पॉइंट पे हेल्ड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक के अंदर -31 to 1000 होता है, 10,000 होता है, -31, -15, -1/3 to -31, -1/3 to 1, -1/3 to -1, -1/3, -1/3 to 0, और वोल्टिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट 0। देन हम पीएफ की बात करें, ठीक है, पीएफ की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो ये भी आपको लर्न करनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोयल और वाटर के बीच में, सोयल वाटर के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, जो फोर्सेस लगते हैं उन फोर्सेस में जो नंबर वन फोर्स है दैट इज एडहेशन। एडहेशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ सोयल वाटर टू द सोयल पार्टिकल। सोयल वाटर का सोयल पार्टिकल के साथ चिपक जाना, अट्रैक्शन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एडहेशन। अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टू द वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर वॉटर मॉलिक्यूल का वॉटर मॉलिक्यूल से अगर एडहेशन हो, अट्रैक्शन हो, डेट इज कॉल्ड कोहेशन, और अगर सोइल वॉटर का सोइल पार्टिकल के साथ हो, डेट इज कॉल्ड एडहेशन, ठीक है। वॉटर मॉलिक्यूल का वॉटर पार्टिकल के साथ कोहेशन, और सोइल वॉटर का सोइल पार्टिकल के साथ एडहेशन। कैपिलरी इज अ वेरी थिन ट्यूब इन विच अ लिक्विड कैन मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस के अंदर सोयल पार्टिकल के साथ एक कैपिलरी ट्यूब बन जाती है, एक कैपिलरी ट्यूब बन जाती है जिसके अंदर वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशन मूव करता है। अभी ग्रेविटेशन इधर है और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन मूव करेगा, इट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। नैरोअर द ट्यूब हाइयर द लिक्विड राइज। देखो जितनी ज्यादा पतली होगी, या बर्नौली थ्योरम लगती है, देखो कैसे, आप एक काम करना, एक पाइप लेना और ऐसे उसको अंदर रख देना, ठीक है, यहाँ पानी फिल कर देना, एक मोटी पाइप लेना, एक पतली पाइप लेना, तो जो पतली पाइप होगी उसमें वाटर का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो मोटी पाइप होगी उसके अंदर वाटर का लेवल कम राइज करेगा, ठीक है। तो जो पतली पाइप होगी, जो पतली कैपिलरी होगी, जो नैरो कैपिलरी होगी उसके अंदर वाटर राइज ज्यादा होगा, और वहां पे फोर्सेस जो एडहेशन और कोहेशन वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे कल वाटर मूवमेंट इन द सोइल। टिल देन टेक केयर, बाय।